तुम्हें मिलने पे मुझे ऐसा लगा तुम्हारा सारा जादू तुम्हारी आंखों में है। बट यू आर वेरी गुड इवन विद योर आईज क्लोज्ड। हमेशा आंखों देखी चीज पर विश्वास नहीं करना चाहिए। सो यू डोंट ट्रस्ट व्हाट यू सी। मैंने तुम्हें हमेशा अपने दिल से देखा, अपनी आंखों से नहीं। मुझे नहीं पता था तुम इतने एडवेंचरस हो। सड़क छाप, वाओ, तुमने कब सड़क छाप में पार्टिसिपेट किया था? कभी नहीं। This is got to be some sort of a joke. Hello Vijay, how are you? मैंने मिस्टर परेरा को फोन किया था वो एटीवी की फुटेज देखने के लिए। ओके, या ऑफ कोर्स, ही टोल्ड मी अबाउट दैट। प्लीज कम, फॉलो मी। यू नो विजय, द फर्स्ट सड़क छाप शो 5 years बैक, इट वाज अ वेरी बिग हिट एंड यू गाइस वर अमेजिंग रियली एंड वी ऑल लव्ड यू एंड मेरी। हे डीनो, सर को जरा सड़क छाप की सीरीज दिखाना। हे विजय, व्हाट्स अप, काफी टाइम बाद आए हो यार। या नाउ यू जस्ट कैरी ऑन, इट्स ऑल योर्स। Extreme sports and fast cars. साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था लेकिन मुझे कुछ याद नहीं। आई जस्ट रिमेंबर वेकिंग अप इन द हॉस्पिटल। दैट्स व्हाट द रिपोर्ट से, दैट यू हैड अ हेड इंजरी एंड यू वर ऑपरेटेड अपॉन। लेकिन ऐसे कैसे कि मुझे कुछ याद नहीं। आई थिंक दिस इज रेट्रोग्रेड एमनेशिया, जिसमें किसी चोट की वजह से इंसान अपनी कुछ मेमोरी खो देता है। ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे अपनी पूरी जिंदगी याद है, फिर ऐसे कैसे हो सकता है कि कुछ ही पोर्शन याद नहीं? इट हैपेंस विजय, जैसे कंप्यूटर की मेमोरी डैमेज या करप्ट हो जाने पर उस पर कोई डेटा रिकॉर्ड नहीं होता, उसी तरह हमारे ब्रेन में भी सेक्टर्स होते हैं जो डैमेज या करप्ट हो जाने पर देयर कैन बी अ मेमोरी लॉस, जस्ट लाइक व्हाट यू हैव। तो क्या इसका मतलब जो मुझे अभी याद नहीं वो मुझे कभी याद नहीं आएगा? इट्स नॉट अ डिजीज, इट रियली डज नॉट मैटर एज लॉन्ग एज यू हैव नॉट लॉस्ट एनी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन। तुम्हें सब तो याद है, तुम अपना जॉब ठीक से कर रहे हो, फैमिली, रिश्तेदार, फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड्स, सबके तो तुम्हें नाम याद है। एंड डोंट वरी, किसी गर्लफ्रेंड को तुम भूल भी गए होगे तो वो तुम्हें ढूंढ लेगी। Thank you.
I'm an Australian. And I moved to India 5 years ago. And now I'm here with you on my favorite TV show, ATV Sarak Chhap. डॉक्टर मुखर्जी. यस. हेलो, आई एम विजय सिंह. हेलो मिस्टर विजय, आपको कौन नहीं जानता इस हॉस्पिटल में. बैठिए. हमें आपसे पूरी उम्मीद है. हम आपकी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल की रेपुटेशन का सवाल है. और फिर बार बार यहाँ खून हो रहे हैं. मिस्टर विजय, मुझे पूरा यकीन है कि आप बहुत जल्द कातल तक पहुंच जाएंगे. थैंक यू सर. बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ. सर, चंद सवाल करने थे. पूछिए. आप किसी मेरी को जानते हैं? मेरी नहीं, ऐसा नाम तो मैंने कभी नहीं सुना. ये एक्चुअली आपके हॉस्पिटल की फाइल थी, तो शायद इससे कुछ याद आया आपको. ओ, मेरी. याद आया, याद आया. अभी कहाँ मिलेंगी मेरी? नो आइडिया. वैसे भी वो आजकल यहाँ काम नहीं करती. मिस्टर विजय, मैं वैसे भी लेट हो रहा हूँ, मुझे एक ऑपरेशन के लिए जाना है. हम बाद में बात करें. आप अपना कार्ड यहाँ छोड़ जाइएगा. ओके, बाय. सी यू. आईपीएल मैच देखा तुमने? फिक्स था सर. बीपी इज हाई. नर्स, क्लैंप्स. लाइट एंड फील्ड. फोर्सेप्स. ओके, ठीक है सर. ओके, क्लोज इट अप. कैट फाइव.
What kind of actions are you taking, sir? ये केस किस ऑफिसर के हाथ में है सर? प्लीज बताइए. Who should solve this case? कितनी दर्दनाक मौत है, मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए. हमारे सवालों का जवाब दीजिए सर. आपको क्या लगता है कातिल कौन है और क्या वो पकड़ा जाएगा? चार मर्डर, और हर आदमी जो हमें कातिल के पास लेके जाता है उसको खुद का कत्ल होता है. जी सर. सर मैं ये कह रहा था कि सर हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं जिससे हम केस को आगे ले जा सके. बस यही है कि सारे विक्टिम्स इस हॉस्पिटल के एम्प्लॉयज हैं. और दूसरा, विच कुड बी अ मेयर कोइंसिडेंस, सारे खून करीब रात के 3 बजे हुए हैं और सबके दिल को चीर कर शरीर से बाहर निकाल लिया गया है. और ये सब बातें आपने अकेले ही सोच ली? जी सर. कमाल है सर, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा. सर मुझे तो ये सारा खेल नंबर 3 का लगता है. सर सोचने वाली बात है, पहली मौत रूम नंबर 3 में हुई है और सारे खून सुबह 3 बजे हुए हैं. शैतान का वक्त भी सुबह 3 बजे होता है सर. और तुम्हें डॉक्टर मुखर्जी के असिस्टेंट को भी मिलने जाना है 3 बजे, दोपहर के 3 बजे, सुबह के 3 बजे नहीं. चलो. Thank you. लड़ती है
धुआं तो उठ जाने दे, रुकती है धड़कन भी दो पल को तो रुक जाने दे। सुहानी तुम इतनी सुंदर क्यों? तुम इतनी अच्छी क्यों? इस केस के बाद तुम मुझसे मिलते रहोगे ना? क्या पता तुम अपनी दुनिया में बिजी हो जाओ, मैं अपनी दुनिया में। तुम मुझे बुला दोगे? मैं तुम्हें तभी बुला सकूंगा अगर अपने आप को बुला दो। I love you. सुहानी क्या कर रही हो? सुहानी विजय
सुहानी तुम ठीक कहती थी, देयर इज समथिंग दैट इज नॉट एड्रेस्ड। मुझे लगता है मैं उसे जानता हूं। किसे? Vijay, I don't understand what the hell is going on about this investigation. I got a call from the hospital that they're utterly disgusted with the progress of the investigation. What are you doing? Sir, उन्हें concerned होना ही चाहिए। मुझे अभी अभी पता चल रहा है कि मेरी के नाम की एक इंटर्न उनके हॉस्पिटल से कुछ देर से गायब है। तुम्हें लगता है मेरे के गायब होने का इस केस से कोई कनेक्शन है? Yes, sir. I know it. It's my gut feel. मेरे के बारे में और क्या जानते हो? नहीं सर, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं। तुम घर 3 दिन से नहीं गए हो? जी सर, मुझे खेमू बता रहा था। आई थिंक यू नीड अ ब्रेक। मुझे सर इसे कोई दूसरा केस असाइन कर देते हैं। आई फुली एग्री विद यू Vijay, I don't understand why you're getting personally involved in this case. Yes, sir. मैं personally involved हूँ और मैं ये केस नहीं छोड़ूंगा। चाहे आप लोग मुझे investigate करने दे या नहीं, लेकिन मैं इस खूनी का पता करके ही रहूंगा। Vijay, you have to listen to this. सर, कुछ साल पहले मैं नाइट शिफ्ट में थी। उस समय हॉस्पिटल में ज्यादा लोग भी नहीं थे। मैं राउंड पर थी। कॉरिडोर में मैंने ये इयररिंग पड़ी देखी। मुझे लगा ये बहुत कीमती होगी, इसलिए मैंने इसे अपने पास रख लिया। मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। मैंने सोचा डॉक्टर सुहानी को ये देकर मैं उसे कुछ पैसे उधार ले लेती हूँ। जब मुझे ये इयररिंग मिली, मुझे लगा मैंने इसे कहीं देखा है। फिर याद आया इसे तो मैंने एटीवी की फुटेज में देखा था, मेरी ने पहनी थी। How do you remember? A girl's observation, you see. We have a clue.
कर रहा है मेरे एरिया में? नहीं देखा इसको, नहीं देखा इसको, हाँ उधर देख, देखो उधर, हाँ पहले से ही मर चुकी थी क्योंकि उसका दिल धड़क रहा था सर। मुझको भी दे ऐ जिंदगी, दिल के लिए चेहरा कोई मुझको भी दे ऐ जिंदगी, उसके बिना मैं कुछ नहीं, चलती नहीं सांसें मेरी, ओ दिल के लिए चेहरा कोई मुझको भी दे ऐ जिंदगी।
नजरों को नजरें कुछ कहती सुनाती है, समझो इशारे हमारे। लम्हों में दुनिया सिमट के रह जाती है, समझो इरादे हमारे। रातें नहीं बातें नहीं, कोई से रोके नहीं वो दिल के लिए, चेहरा कोई मुझको भी दे है जिंदगी। This is Mary. You are in love. बेटा पहले तुमने कभी इसे मिलाया नहीं? Anyways, where are your parents? They died 3 years ago in a car accident. And I have no family left. Well, I'm very sorry to hear about that. But now you have us. And I know what's good for my son. Good choice, son. Thank you. Namaste. Vijay, will you take Mary to be your lawful wedded wife, to live together according to the holy laws of God in the state of marriage? Will you love her, honor her, and be a faithful husband to her as long as you shall both live? I will, with the grace of God. And Mary, will you take Vijay to be your lawful wedded husband, to live together according to the holy laws of God in the state of marriage? Will you love him, honor him, and be a faithful wife unto him as long as you both shall live? Yes, I will, with the grace of God. Almighty God, these rings may be to Vijay and to Mary the symbol of unending love, to remind them of the promise and pledge which they have made this day through Jesus Christ our Lord. Amen. Amen.
Whoever finds his life will lose it. But whoever loses his life for my sake will live forever. एक मिनट, एक ये तुम्हारी जिंदा है, जल्दी ओटी में ले चलो, जल्दी 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 भैया भैया
डॉक्टर। She's clinically dead, मगर दिल तो धड़क रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? लिया, दूसरी मशीन लगाओ। Sir, do you have any explanation of what is happening to her? No comment. Have you followed the case of Indian authorities? No comment. Sir, police case mein kya karwai kar rahe hain? Sir. इसका कोई जवाब तो होना चाहिए। ये दुनिया भर के मेडिकल हिस्ट्री का एक यूनिक केस है। वी आर हियर फॉर अ सीरियस मैटर। अ सिटीजन मैरी, हु वाज एन इंटर्न इन दिस हॉस्पिटल, वाज ब्रूटली असॉल्टेड एंड नियरली किल्ड। वी नीड टू प्रोवाइड आंसर्स बैक होम to the authorities, to the family, and to the media. That is why we plan to have a meeting with the Indian government. Gentlemen, ladies, you are highly trained in your respective fields. We need answers to this situation ASAP. Our dilemma is that medical science has no answers to her condition. I think it could be that the heart is speeding by its own inertia. How is the Australian High Commission Dr. Mary? Who should solve this case? I mean, this case. Why should anyone kill Dr. Mary? But I think the situation can come under उसी की है जो उसे छोड़ नहीं रही। यह आत्मा तबाही मचाने वाली है। मैं यहां नहीं रह सकता। मैं अभी आता। क्या हुआ विजय को? मैं अभी हॉस्पिटल आ रहा हूं। विजय, क्या हुआ विजय? बेटा तुम ठीक तो हो ना? आपने जोगी को क्यों फोन किया? कौन जोगी?
मैं किसी जोगी को नहीं जानता। जोगी समझ गए ना, विजय पे जरा कड़ी नजर रखना। 25 साल की मेहनत के बाद मैंने इतना बड़ा एम्पायर बनाया और मेरा बेटा विजय एक फिरंगी क्रिश्चियन के साथ शादी करना चाहता है। जोगी जो चर्च के बाहर खड़ा था लाइक जीसस क्रूसीफाई हर। मेरी के मरने के 2 दिन पहले आपने डॉक्टर सक्सेना को फोन किया था। आज कैसे याद किया आपने? उस ऑस्ट्रेलियन लड़की का कुछ इंतजाम करो। मैं कुछ समझा नहीं सर। उसका चेहरा इतना बिगड़ चुका है कि कोई उसे पहचान नहीं सकता। रिप्लेस डायरी विद समवन एल्स एंड हैंड इट ओवर टू द ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन। लेकिन सर उसका दिल अब भी धड़क रहा है। बॉडी बदलने के बाद सबको बता देना कि उसकी दिल की धड़कन बंद हो चुकी है। मैटर ओवर। सर वो क्या है कि उसके आसपास हमेशा कोई ना कोई नर्स रहती है और उसकी सारी रिपोर्ट डॉक्टर मुखर्जी को जाती है। सक्सेना पैसे में इतनी शक्ति होती है। जस्ट बाय हिम। आज रात को उसकी बॉडी हॉस्पिटल के मॉर्ग में ले आना, वहां मेरा आदमी होगा। Ah!
तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? क्यों आया तुम यहां? तुम्हें इसके शरीर को छोड़ना है तो मुझे यहां नहीं, भेज दो सुअरों में, भेज दो। जाओ। सांसों की रफ्तारें बढ़ उठी है ये तब से।